इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए ना हमें ज़रूरत पड़ेगी कंडेंस मिल्क की, ना खोए की, ना क्रीम की, ना चीनी की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं फूड सीक्रेट रेसिपी यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ज़बरदस्त सी खजूर की कुल्फ़ी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ठंडी ठंडी हमारी खजूर की कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है। आधा कप खजूर से आपको बनाना सिखाएँगे बहुत ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी। बगैर स्किप किए आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी खजूर की कुल्फ़ी की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ज़बरदस्त सी खजूर की कुल्फ़ी की रेसिपी शुरू करते हैं। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर रख दी है। कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने का ये फ़ायदा है तो दूध नीचे लगता नहीं है। कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध का आपने जो इस्तेमाल करना है वो आपने फुल क्रीम लेना है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। दूध मैंने शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं खजूर। खजूर मैंने ली थी आधा कप। खजूर के अंदर से मैंने गुठली निकाल ली थी, अच्छी तरह धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह मैश कर लिया था। खजूर शामिल कर देते हैं। इसके अंदर चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है, खजूर के अंदर मीठा होता है। अगर आपकी खजूर ज़्यादा मीठी नहीं है तो फिर आपने मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर चीनी शामिल कर सकते हैं। खजूर डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, जैसे आपको दिखा रहा हूँ मैं वीडियो के अंदर। इस कुल्फ़ी को बनाने के लिए चीनी को लैदा से कैरमलाइज करके दूध के अंदर शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल हम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए अभी से दूध का कलर चेंज हो गया है, खजूर से बहुत ज़बरदस्त सा कुल्फ़ी के अंदर कलर आ जाता है। अब दूध को चूल्हे के ऊपर रख देंगे दूसरी तरफ पकने के लिए। दूध को हमने अच्छी तरह थिक करना है। तो अच्छी तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब बनाना है हमने बैटर कॉर्नफ्लावर का और मिल्क पाउडर का। तो बैटर बनाने के लिए एक बाउल ले लिया मैंने। बाउल के अंदर सबसे पहले शामिल कर देंगे 1 कप मिल्क पाउडर। मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर शामिल करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर। इससे बहुत ज़बरदस्त सी थिकनेस आ जाएगी। कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है। लम्स फ्री आपने इसका बैटर बनाना है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ। देखिए दूध को हमने अच्छी तरह पका लिया मीडियम फ्लेम के ऊपर। दूध कितना थिक हो गया और खजूर की वजह से कितना ज़बरदस्त इसके अंदर कलर आ गया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जो मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर का जो हमने बैटर बना के रखा हुआ था, अच्छी तरह आपने मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है 3 से 4 मिनट के लिए। देखिए दूध और कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा कुल्फ़ी का मिक्सचर लग रहा है, ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको जो मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने 3 से 4 मिनट के लिए कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह पका लिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर थिकनेस आ गई है। अब इसकी कर देंगे फ्लेम बंद। ये ठंडा होगा कुल्फ़ी का मिक्सचर तो और थिक हो जाएगा, इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इलायची का पाउडर डालने के बाद इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कुल्फ़ी का मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अच्छी तरह इसको ठंडा करेंगे, दूसरे बाउल के अंदर निकाल कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर। तो फिर जमाएंगे कुल्फ़ी। तो अब देखिए कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने दूसरे बाउल के अंदर निकाल दिया है। अब इसको रख देंगे फ्रिज के अंदर, अच्छी तरह ठंडा करेंगे, उसके बाद बनाएंगे कुल्फ़ी। तो अब इसको रख देते हैं फ्रिज के अंदर। तो देखिए कुल्फ़ी के मिक्सचर को मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था आधे घंटे के लिए, अच्छी तरह ठंडा कर लिया है। अब मैंने ले लिया डिस्पोजल कप, ईजीली आपको मार्केट से मिल जाती हैं। इस तरह कुल्फ़ी के सांचे भी मिल जाती हैं। अगर आपके घर में हैं तो इसके अंदर भी कुल्फ़ी बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डिस्पोजल कप भी ले सकती हैं। अब आपने कप लेना है और छोटे कप के अंदर इस तरह आपने कुल्फ़ी के मिक्सचर को डालते जाना है, जैसे वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार होगी छोटे कप वाली। इसी तरह दूसरी कुल्फ़ी बना लेती हैं। ये देखिए इसके अंदर भी मैंने कुल्फ़ी का मिक्सचर डाल दिया है। इसको बनाना इजी है, इस तरह आपने इसको बंद कर देना है। ये हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है। और जो डिस्पोजल कप वाली कुल्फ़ी है उसको आपने फॉल से कवर करना है।
अच्छी तरह कवर करने के बाद आपने नाइफ़ लेनी है, नाइफ से इसके ऊपर छोटा सा आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसके अंदर लगा देंगे आइसक्रीम वाली स्टिक। जी देखिए, हमने सारी कुल्फ़ी बना ली है, चार बड़ी बनाई है और नौ बनाई है छोटी डिस्पोजल कप वाली। अब आपने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है पूरी रात के लिए डीप फ्रीज़र के अंदर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। जी देखिए, ओवरनाइट मैंने कुल्फ़ी को डीप फ्रीज़र के अंदर छोड़ दिया था, बहुत ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी जम गई है, सेट हो गई है। ये देखिए, अब आपको निकाल के दिखाते हैं, बहुत ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी तैयार हो गई है। देखिए इजीली निकल आती है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खजूर की कुल्फ़ी बन के तैयार हो गई है। ज़रूर बनाइएगा, बनाना बहुत ही आसान है। देखिए कितना ज़बरदस्त है इसके ऊपर कलर आया है। ये देखिए दूसरी भी कितनी ज़बरदस्त सी निकल आई है। अब आपको दिखाते हैं डिस्पोजल कप वाली। इस तरह दोनों हाथों की मदद से आपने कुल्फी अच्छी तरह मसलना है, बहुत ही इजीली निकल आती है, इसको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी डिस्पोजल कप वाली भी कुल्फी निकल आई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी खजूर की कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। यकीन माने एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको जो मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है फूड सीक्रेट रेसिपी।